32 देखिए, एपी दिया हुआ है, इसके कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि इसका योगफल 513 है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना एपी में कुल एन पद हैं। चलिए इस एपी का प्रथम पद ए जो होगा 54 हो जाएगा। सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, वह ए टू माइनस का ए वन, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुल कितने पदों का योगफल यहाँ पे दिया, एन पदों का योगफल हमारे पास 513 दिया। तो रखते हैं इस पे एन बाई टू, टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू में डी और बराबर में 513। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एन बाई टू, टू ए की जगह पे 54 प्लस का एन माइनस वन डी की जगह पे माइनस का 3 बराबर में 513। चलिए एन बाई टू अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 108 हो जाएगा, माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू में 513। चलिए अब इसके बाद देखते हैं n इंटू में, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 111 हो जाएगा, माइनस का 3n इक्वल टू में ये जाकर उधर गुना करेगा तो 1026 हो जाएगा। चलिए तो 111n माइनस का 3n स्क्वायर इक्वल टू में 1026, यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस का होगा माइनस का 111n और प्लस का 1026 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉमन हो जाएगा कि नहीं, हाँ 3 कॉमन हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, यहाँ 3 3 9 और 3 7 37n और 3 3 9 और 3 4 12 3 2 6 बराबर में 0, ये जाएगा भाग में 0 हो जाएगा। एन स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 337n प्लस का 342 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखिए गुणनखंड करने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 18n और माइनस का 19n कर देंगे प्लस का कितना हो जाएगा 342 इक्वल टू में 0। चलिए n कॉमन, n माइनस का 18 बच जाएगा, माइनस का 19 कॉमन, n माइनस का 18 बच जाएगा, n माइनस 18 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो n n माइनस का 19 बराबर में 0 हो जाएगा। तो n माइनस का 18 बराबर में 0, n माइनस 19 बराबर में 0, तो n का मान यहाँ से 18 और यहाँ से n का मान 19, तो इसलिए पदों की संख्या जो हो जाएगी, पदों की संख्या जो हो जाएगी वह 18 या 19 आ जाएगी। समझ गए, उस 33 देखिए कि समांतर श्रेणी के nवां पद 9 माइनस का 5।